डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन का जो नया चैप्टर चल रहा था डेयरी केमिस्ट्री, चैप्टर 12 जो है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर दुग्ध रसायन, उसमें आपने जो दूध है उसकी परिभाषा पढ़ ली थी। आगे टॉपिक को बढ़ाते हुए आज बात करेंगे दूध के जो अवयव हैं उनके बारे में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना कौन सा रहेगा, दूध के अवयव। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, दूध के अवयव। इसमें होता क्या है डियर स्टूडेंट, जो दूध होता है वो एक अपारदर्शी द्रव होता है। दूध कैसा द्रव होता है, अपारदर्शी द्रव होता है, जो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन है, वसा है, लैक्टोज से मिलकर बना होता है। दूध जो होता है किससे मिलकर बना होता है, वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, जो खनिज पदार्थ एवं जल से मिलकर बना होता है। दूध में जो विभिन्न अवयव है वो समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है दूध विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के का जो दूध है, अलग अलग प्रजातियों के अंदर अलग अलग प्रकार के दूध में अवयव पाए जाते हैं। यानी कि दूध में उपस्थित जो अवयव है वो समान अवयव नहीं पाए जाते हैं, उनमें भिन्नता आ जाती है। दूध में पाए जाने वाले जो अवयव है उनमें जो भिन्नता आती है वो किसकी वजह से आती है, जिसमें पशु को खिलाया जाने वाला चारा है, पशु की उम्र है, जलवायु है, आदि कारणों से दूध के अवयवों में भिन्नता आ जाती है। अब दूध में पाए जाने वाले जो अवयव हैं उनकी उपस्थिति के आधार पर दूध को कितने भागों में बांट दिया जाता है, दो भागों में बांटा जाता है, वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ और दूसरा जल। दूध में उपस्थित पाए जाने वाले अवयवों को उपस्थिति के आधार पर कितने भागों में बांट दिया जाता है, दो भागों में, वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ, दूसरा क्या होता है, जल। तो ये है आपके डियर स्टूडेंट दूध के अवयव। होता क्या है इसमें देखिए, दूध के अवयव, दूध एक, दूध जो होता है वो कैसा होता है, एक अपारदर्शी द्रव होता है। दूध एक अपारदर्शी द्रव होता है। दूध क्या होता है, एक अपारदर्शी द्रव होता है। यह किससे मिलकर बना होता है, यह है प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, खनिज पदार्थ, एवं जल से मिलकर बना होता है। दूध जो होता है वो कैसा द्रव होता है, एक अपारदर्शी द्रव होता है, प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, खनिज पदार्थ इन जल से मिलकर बना होता है। दूध में उपस्थित जो अवयव है, दूध में अवयव जो होते हैं समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। दूध में अवयव समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। दूध में जो अवयव होते हैं वो समान मात्रा में नहीं पाए जाते, उन अवयवों में क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है, उनमें भिन्नता आ जाती है। अब ये दूध में जो पाए जाने वाले जो अवयव है वो समान मात्रा में नहीं पाए जाते, उनमें क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। अब दूध में पाए जाने वाले अवयवों में भिन्नता वो निम्न कारणों से आती है, दूध में पाए जाने वाले अवयवों में भिन्नता निम्न कारणों से आती है। दूध में पाए जाने वाले जो अवयव हैं उनमें जो भिन्नता है वो निम्न कारणों से आती है। उसमें जो कारण है, कारण निम्न है। पहला कारण क्या हो सकता है उसमें, पशु की उम्र, पशु की उम्र
दूसरा कारण हो सकता है पशु को दिया जाने वाला चारा, पशु को दिया जाने वाला चारा। तीसरा जलवायु, पशु की उम्र, पशु को दिया जाने वाला चारा, और तीसरा जलवायु, क्योंकि विभिन्न जाति के जो पशु होते हैं उनमें दूध के अवयवों की जो मात्रा है वो विभिन्न पाई जाती है। विभिन्न जाति के पशु जैसे विभिन्न जाति के पशु, गाय है, बकरी है, भेड़ आदि में दूध के अवयवों की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। आदि में दूध के अवयवों की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न जाति के पशुओं, गाय, बकरी, भेड़ आदि में दूध के अवयवों की मात्रा में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। दूध में अवयव की उपस्थिति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है कि दूध में अवयव की उपस्थिति के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। कौन 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 से दो भाग पड़ेगी? वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ, दूसरा जल। तो ये है दूध के अवयव। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्या होता है कि जो दूध होता है क्या होता है? एक अपारदर्शी द्रव होता है। यह है प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, खनिज पदार्थ, जल से मिलकर बना होता है। दूध में अवयव जो होते हैं वो समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, उनमें क्या आ जाती है? भिन्नता आ जाती है। दूध में पाए जाने वाले अवयवों में जो भिन्नता है वो निम्न कारणों से आती है। वो कारण कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे पशु की जो उम्र है, पशु को दिया जाने वाला चारा है, जलवायु है, ये सभी कारण हो सकते हैं जिनके कारण दूध के अवयवों में भिन्नता आ जाती है। और विभिन्न जाति के पशु जैसे गाय है, बकरी, भेड़ आदि में दूध के अवयव की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। अब ये जो दूध में अवयव की उपस्थिति के आधार पर जो दूध है उसको कितने भागों में बांट दिया जाता है? दो भागों, वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ और दूसरा जल। अब दूध में पाए जाने वाले अवयवों का जो संक्षिप्त विवरण है वो आगे निम्न प्रकार से किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफी।